नमस्कार, मैं सोनाली, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। सरकार शिक्षा को लेकर बेहद सजग है और पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि स्कूल चले। यह हम नहीं कह रहे, संभागीय मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर लालगांव के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय हरदी में पदस्थ टीचर दिनकर प्रसाद का कारनामा कह रहा है। टीचर ने कुछ ऐसा ही किया, उसने स्कूल के सारे बच्चों को टीसी ही दे दी, वह भी घर घर जाकर। मामला खुलने पर हड़कंप मच गया, कलेक्टर से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी तक एक्शन में आ गए। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल का दौरा किया, नई व्यवस्था बनाई, जिसके बाद अब स्कूल में कुछ बच्चे वापस आ गए हैं। उक्त टीचर के खिलाफ जिला प्रशासन कार्यवाही की तैयारी कर रहा है। संभागीय मुख्यालय रीवा से 50 किलोमीटर दूर है लालगांव का हरदी गांव। यहां के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय पर एक शिक्षक और एक शिक्षिका पदस्थ थे। शिक्षक दिनकर प्रसाद को न जाने क्या सूझी, वह बच्चों के घर पहुंच गए, उनसे कहा स्कूल बंद होने वाला है, तुम लोग अपनी टीसी ले लो। एक दो बच्चों के परिजन स्कूल पहुंच गए टीसी लेने, जो नहीं पहुंचे उनके घर स्कूल के टीचर स्वयं पहुंच गए टीसी लेकर। ऐसा अनोखा कारनामा करने वाले टीचर को क्या कहा जाए, यह आश्चर्यजनक बात है लेकिन सत्य है। इसके पहले आपने शायद ही कहीं सुना होगा कोई टीचर अपने बच्चों की टीसी काटता है, वह भी बेवजह। किसी जमाने में स्कूल में 20 से ज्यादा बच्चे हुआ करते थे, लेकिन इन टीचर महोदय के कारनामे ने स्कूल को क्या से क्या कर दिया। जैसे ही शिक्षक महोदय का यह कारनामा प्रकाश में आया, फौरन ही रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल और जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा गुप्ता एक्शन में नजर आए। उन्होंने एक नई टीचर का अपॉइंटमेंट किया, नए सिरे से स्कूल के संचालन की व्यवस्था बनाई, जिसके चलते अब उन बच्चों की वापसी हो रही है जो स्कूल छोड़कर चले गए थे। मुझे पहले पढ़ते थे तो इधर से कहन किए स्कूल टूट गई थी तो मुझे टीसी दे दिए हैं। मैंने कहा, मैंने ले लिया, कहे कि वह स्कूल टूट गई, कहीं इसके बच्चे नहीं आते थे। फिर मैं कहें कि ठीक है दे दीजिए, फिर मैं गुदरी में लिखा लिया था नाम। हाँ, फिर से स्कूल आना शुरू, फिर स्कूल ही आना शुरू कर देना, फिर दोबारा एडमिशन हुआ। हाँ, दोबारा एडमिशन यहाँ हो गया, फिर यहाँ आते हैं, कल से आते हैं। क्या नाम है? निधि। बताइए कौन सा गांव है, कौन सी स्कूल है, कब से संचालित है? ये ग्राम हरदी है। मैं इस स्कूल के लिए पूर्व में एप्लीकेशन दिया, हमको सन 4 अक्टूबर सन 74 को ये स्कूल मिली, हमारे द्वार पर स्कूल लगी। और फिर हमने मेहनत करके तालाब के भीत पश्चिम भीटे में स्कूल बनवाया मिट्टी की, और वो चलती रही। और जब मुझे मौका मिला तो मैं एक ये बिल्डिंग जो वर्तमान समय में पश्चिम का इसका निकार है, इसमें लड़के बच्चे थे, मास्टर लोग पढ़ाते थे, और अचानक मास्टर आए और जो लड़के थे उनकी टीसी दे दिए। हमें पता चला कि आज जांच में आ रहे हैं रीवा से लोग, तो मैं भी आया, गांव के लोगों का आवेदन लिया, और हमारी स्कूल जो है ये चलती रहे, उस आवेदन में मैंने लिखा है। और पूर्व की भांति पहली से कक्षा 5 तक संचालित की जाए, और जो 6वीं 7वीं 8वीं चल रही है वो चलती रहे। कितने बच्चों को टीसी दे दिए थे? 6-7 बच्चों को, शायद हमने दिखाया तो नहीं, ऐसा मुझे पता लगा कि 6-7 बच्चे थे। किसकी लापरवाही मानते हैं आप? ये तो पंडित जी की है, टीचर जी सर, इसलिए कि यदि मेहनत की जाती तो और लड़के आ जाते पास पड़ोस से। जी सर, क्या? मेरा नाम राम खिलान पटेल, पूर्व सरपंच देवघटा। मेरा नाम श्रेया द्विवेदी है, और मैं पिछले साल यहाँ पे एज गेस्ट टीचर में नियुक्त हुई थी। जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ पे रेखा मिश्रा मैडम थी। मेरे आने पर यहाँ पे छात्र की संख्या 22 थी, पर कुछ ही महीनों बाद मैडम का ट्रांसफ़र हो गया और यहाँ पे दिनकर प्रसाद मिश्रा सर आए। उनके आते ही छात्र संख्या 22 से 14 कर दी गई थी। उसके बाद 7 छात्र जो थे वो 8वीं कक्षा में थे, जो कि इस साल पास आउट होके चले गए थे, तो छात्र संख्या 7 हो गई थी। फिर मुझे अभी जुलाई अगस्त में ये जानकारी मिली कि उन 7 बच्चों की टीसी दे दी गई है और छात्र संख्या 0 कर दी गई है।
फिर मैडम रेखा मिश्रा को वापस यहाँ पे आदेश आया ब्लॉक ऑफिस से, तो उनको बुलाया गया और इस स्कूल को वापस संचालित करने का आदेश दिया गया, जिसकी वजह से मैडम ने 6 बच्चों का एडमिशन अभी करा दिया है और अभी भी वो अपनी कोशिश में जारी हैं। मैम, लाल गांव के पास एक स्कूल है हरदी स्कूल, वहाँ एक टीचर ने टीसी दे दी बच्चों को। हरदी स्कूल की शिकायत हम लोगों को प्राप्त हुई है और इसमें जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच भी की है और जांच में ये पाया है कि स्कूल का संचालन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर छात्रों की उपस्थिति शून्य बताई है। जबकि आसपास लोगों से चर्चा करने पर, कथन किए जब डीओ ने, तो ये पाया कि ये जानबूझकर किया गया कृत्य है, इसीलिए उनके खिलाफ़ हम लोग अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर रहे हैं और डीओ ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। टीचर गुरु होता है, वह जैसा पढ़ाता है, जिस तरीके से बच्चों को समझाता है, बड़े होकर बच्चे कुछ वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन इन टीचर महोदय को क्या कहा जाए, बच्चों को उन्होंने क्या समझाया क्या नहीं समझाया, यह तो जांच का विषय है। पूरे मामले को लेकर जब कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल से बात की गई तो उनका कहना था, हमें इस मामले की जानकारी मिली है, हमने जिला शिक्षा अधिकारी को मौके पर भेजा था, हम इस मामले को देख रहे हैं और स्कूल बेहतर तरीके से संचालित किया जाए, मामले की जांच कर कार्यवाही भी की जाएगी।